चलिए स्टूडेंट्स, एडिशन रूल में एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 बॉयज एंड 18 गर्ल्स, ऑफ विच 12 बॉयज एंड 7 गर्ल्स आर परस्यूइंग सम प्रोफेशनल कोर्स अलोंग विद देयर ग्रेजुएशन। ओके, If a student is selected at random from this class, find the probability that student is a girl or pursuing some professional course. देखो बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन को प्रॉपरली प्रेजेंट करो तो ये बहुत इजीली आप काम कर सकते हो। थिंग्स गिवन, अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 बॉयज एंड 18 गर्ल्स, मतलब देर आर टोटल 38 स्टूडेंट। फिर इनमें से बोला है कि 12 बॉयज एंड 7 गर्ल्स आर परस्यूइंग सम प्रोफेशनल कोर्स अलोंग विद द ग्रेजुएशन। अच्छा, बॉयज में से कितने? 12, और गर्ल्स में से 7। 12 बॉयज एंड 7 गर्ल्स आर अलोंग विद द ग्रेजुएशन फॉलोइंग सम प्रोफेशनल कोर्स, मतलब कितने प्रोफेशनल कोर्स में है? टोटल 19 लोग प्रोफेशनल कोर्स में है। अब क्वेश्चन है, If a student is selected at random from this class, किसी भी एक को आपने select कर दिया है, probability that student is a girl or pursuing some professional course, एक का selection करना है, वो girl हो या professional course pursue करो, तो दो event बना देते हैं। पहले तो event define कर लेते हैं। Let event A, a student selected is a girl, और दूसरी इवेंट बनाते हैं इवेंट बी, अ स्टूडेंट सिलेक्टेड इज परस्यूइंग सम प्रोफेशनल कोर्स, ऑफ कोर्स अलोंग विद द ग्रेजुएशन। चलिए, व्हाट इज पी ऑफ ए? एक ही स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं तो फॉर्मूला कॉम्बिनेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। टोटल 38 स्टूडेंट है और वो सिलेक्टेड स्टूडेंट गर्ल हो तो 38 में गर्ल्स कितनी है? आप बोलोगे 18, तो ये हो जाएगा 18/38। दूसरा है, अ स्टूडेंट सिलेक्टेड इज परस्यूइंग सम प्रोफेशनल कोर्स, उसको मैं पी ऑफ बी बोल दूं। अच्छा, प्रोफेशनल कोर्स कितने परस्यू कर रहे हैं? 12 बॉयज 7 गर्ल्स मिला के टोटल प्रोफेशनल कोर्स वाला हो उसकी प्रोबेबिलिटी 19 out of 38, मतलब एक क्लास में जो 38 है उसमें से 19 स्टूडेंट, उसमें गर्ल बॉय की बात नहीं है, परस्यूइंग प्रोफेशनल कोर्स बोल रहे हैं, तो वो तो 19 है, मतलब 19/38। अब आपको पूछे कि इवेंट ए भी हो और बी भी हो, मतलब गर्ल भी हो और प्रोफेशनल कोर्स फॉलो कर रहे, ऐसा दोनों हो सकता है? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो सकता है? हाँ, हो सकता है, क्योंकि 7 गर्ल्स ऐसी है, ठीक है, जो प्रोफेशनल कोर्स को फॉलो कर रही है, इसका मतलब 7 गर्ल्स में भी आता है, मतलब इवेंट ए में भी है और इवेंट बी में भी है, तो उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 7/38। तो ये डेटा पर से आप पी ऑफ ए, पी ऑफ बी और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी निकाल दो। और उसके बाद अब रिक्वायरमेंट है प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट सिलेक्टेड इज अ गर्ल और परस्यूइंग सम प्रोफेशनल कोर्स। इसका मतलब हुआ कि इवेंट ए और इवेंट बी, और का मतलब होता है ए यूनियन बी, और इसका फॉर्मूला है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्यों केस टू? क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का एग्जिस्टेंस है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं है। ओके, तो अब इसको लिख सकते हैं कि 18/38 प्लस 19/38 माइनस 7/38। और अब इसका मैं टोटल करूं तो 18 प्लस 19 37 माइनस 7, सो फाइनल आंसर 30/38 और रिड्यूस करें तो 15/19।
चलिए ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, लेकिन उसका मैं डिस्कशन कर लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में है, फिर भी डिस्कशन देख लो क्या है। अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 10 बॉयज एंड 20 गर्ल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 10 बॉयज 20 गर्ल्स मतलब टोटल हुए 30, इसी के जैसा है। फिर बोल रहे कि हाफ द बॉयज एंड हाफ द ऑफ विच हाफ द बॉयज एंड हाफ द गर्ल्स हैव ब्लू आईज। इनमें से हाफ हाफ मतलब 10 का हाफ करेंगे तो 5 और 20 का हाफ करेंगे तो 10 मिला के 15 ऐसे है जिनकी ब्लू आईज है। ओके अब पूछ रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट एट रैंडम इज अ बॉय और हैज ब्लू आई। बॉय हो या ब्लू आई हो, तो इवेंट ए बना देते हैं स्टूडेंट सिलेक्टेड इज अ बॉय, तो बॉय कितने हैं 10, तो 10 आउट ऑफ 30। अच्छा इवेंट बी बनाते हैं स्टूडेंट सिलेक्टेड इज हैविंग ब्लू आईज, तो ब्लू आईज वाले टोटल कितने हैं 15 है। बॉय भी हो और ब्लू आईज भी हो, दोनों का मतलब कॉमन कितने हैं, ये 5 ऐसे हैं जिसकी ब्लू आईज भी है और बॉयज भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी 5/30। रिक्वायरमेंट पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 10 प्लस 15 25 माइनस 5 20/30। फाइनल आंसर आपका पी ऑफ ए यूनियन बी होगा 2/3। चलिए पूरा डिस्कस तो कर लिया है लेकिन ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज आइदर अ डायमंड और किंग। तो जिसके लिए दो इवेंट बोला है उसी को इवेंट बना देते हैं। क्वेश्चन को डिफाइन करने से पहले इवेंट डिफाइन कर ले, रिक्वायरमेंट बाद में। इवेंट ए कार्ड, एक ही कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, अ कार्ड ड्रॉन इज अ डायमंड, और इवेंट बी होगा अ कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। अब आपको मालूम है कि पी ऑफ ए क्या होगा, 52 कार्ड्स में से आप एक कार्ड ड्रॉ करें वो डायमंड, डायमंड के 13 कार्ड्स होते हैं तो आप बोलोगे 13/52। फिर एक कार्ड ड्रॉ करो वो किंग हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो आपको मालूम है कि 4 किंग होते हैं तो 4/52। अच्छा ऐसा होगा कि कार्ड डायमंड का भी हो और किंग का भी हो कॉमन, हाँ डायमंड का ही किंग हो तो ये कॉमन कार्ड बन सकता है, ऐसा एक ही कार्ड है तो उसको हम बोलेंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और वो हो जाएगा 1/52। और अब रिक्वायरमेंट, प्रोबेबिलिटी दैट a card drawn is a diamond or a king, that means event A or event B, or मतलब union, और यहां पर intersection B, A intersection B का existence है, तो P of A plus P of B minus P of A intersection B, सो 13/52 प्लस 4/52 माइनस 1/52, 13 प्लस 4 17 माइनस 1 मतलब 16/52, और आपको रिड्यूस करना है तो 4 4 एंड 4 13 जा, तो 4/13 आपका आंसर हो सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ नंबर्स 1 to 100 वन नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 4 or 5। चलो 1 to 100 मतलब यू क्या होगा, मैं लिख दूं, लेट यू बी द सैंपल स्पेस, और एन ऑफ यू 100 में से एक का सिलेक्शन करना है तो आपको मालूम है कि ये हो जाएगा 100 C1 मतलब कोई भी एक नंबर 100।
अब ये 1 से लेके 100 तक के जो नंबर्स है उसमें से आपको पूछा है कि या तो आप सिलेक्ट करो वो नंबर 4 से डिविजिबल हो या 5 से, तो दो इवेंट हो गई, वो इवेंट में डिफाइन कर दो, लेट इवेंट ए अ नंबर सिलेक्टेड इज डिविजिबल बाय 4, तो ए में 1 से लेके 100 तक में 4 से डिविजिबल वाले नंबर लिखा हो तो क्या हो सकता है, 4, 8, 12 अप टू 100, क्योंकि 100 भी 4 से तो डिविजिबल है, और 25 फॉर 100 ये 25th नंबर का ऑब्जर्वेशन होगा, तो आप बोल सकते हो n of a equals to 25, so probability of a is n of a divide by n of u 25 by 100. इसको 1/4 कर सकते लेकिन नहीं करेंगे, बाद में कुछ काम करना होगा तो इसकी वजह से. चलिए इवेंट बी, अ नंबर सिलेक्टेड इज डिविजिबल बाय 5, और 5 से डिविजिबल है 1 to 100 में, वो है 5, 10, 15 अप टू 100, 100 इटसेल्फ इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, तो n ऑफ b क्या होगा, ये 20 into 5, मतलब आपको मालूम है कि ये 20th नंबर होने वाला है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज n ऑफ b डिवाइड बाय n ऑफ u 20 upon 100. अच्छा, अब आप चेक करो ऐसे कोई नंबर्स है जो 4 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी, मतलब a और b में कॉमन कौन से होंगे, तो आप मैं बता दूं 4, 5 ये दोनों का LCM क्या होगा, 4 एंड 5 का LCM 20 है, LCM की मैं बात कर रहा हूं, और जो 20 का डिविजिबल होगा या 20 का मल्टीपल होगा वो 4 का भी होगा और 5 का भी होगा, मतलब दोनों में कॉमन जो है वो 20 के मल्टीपल वाला है, मतलब कि मैं ऐसा लिखूं 20, 40, 60, 80, 100, ये ऐसे नंबर्स होंगे जो सेट ए में भी आएंगे, सेट बी में भी आएंगे आगे जाके, तो ये कितने हैं, आप बोलोगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय एन ऑफ यू, ये हो जाएगा 5 by 100. अब मैं रिक्वायरमेंट पे आ सकता हूं, क्या है रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट है प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सिलेक्टेड इज डिविजिबल बाय 4 or 5, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, p of a plus p of b minus p of a intersection b, ये रहे p of a 25 by 100, p of b 20 by 100, minus p of a intersection b हो जाएगा 5 by 100, तो मैं लिख रहा हूं 25 by 100 plus 20 by 100 minus 5 by 100, इसका मतलब 25 plus 20 minus 5 40 upon 100, आपको 0.4 ऐसा लिखना हो तो भी लिख सकते, क्लियर, तो मुझे लगता है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, ये भी लिख के रखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब मैं इसके बाद कुछ होमवर्क का क्वेश्चन का लिस्ट दूंगा। चलिए, होमवर्क करना होगा आपको अप टू क्वेश्चन नंबर 40, ये आपका होमवर्क, ओके, थैंक यू वेरी मच।